आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज़। बिहार की बांका में एक मदरसा परिसर में बीते मंगलवार सुबह अचानक विस्फोट होने से उसका एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुरुवार को ट्वीट कर जीतन राम मांझी ने लिखा, गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के बांका जिले में मंगलवार को मदरसे में हुए विस्फोट पर विवाद जारी है। एक दिन पहले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल में मदरसे का को आतंकवादी पनपने का स्थान बताया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। विधायक ने ये भी कहा था कि राज्य की तमाम मस्जिद और मदरसों की जांच होनी चाहिए, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी पर गुरुवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर पलटवार किया। बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि जिन्हें मदरसों का इतिहास नहीं पता वही अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को चुनाव के समय मस्जिद और मदरसा नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं। जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए वो भारत के इतिहास को क्या समझेंगे? ऐसे लोगों को कांके भेज दिया जाएगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बचौल मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उन्हें पागलखाने भेज देना चाहिए। पहली बार विधायक बनने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांके दूर है, ऐसे में उन्हें कोई लवर के पागलपन में भर्ती करा देना चाहिए। फटाफट होम डिलीवरी ऐप 14 देशों में अपनी सर्विस के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंपनी जब आपके शहर सिवान में आ चुकी है। अब आप घर बैठे अपनी जरूरत की हर चीज होम डिलीवरी करा सकते हैं, जैसे राशन का सामान, रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना, फास्ट फूड आइटम, गिफ्ट की आइटम, मोबाइल एसेसरीज, हाउस होल्ड आइटम और भी बहुत कुछ। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए अभी प्ले स्टोर से फटाफट लोकल डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करिए और घर बैठे ही बेहतरीन सर्विस का मजा लीजिए।